ये है तांडा फॉल। यह उन फॉलों में से एक है जिसे स्थानीय प्रशासन के नजरअंदाजी से कभी भी यथायोग्य दर्जा नहीं मिल पाया। विशेषज्ञ टांडा फॉल जैसे जगहों को पर्यटन के दृष्टि से मिर्जापुर का वरदान मानते हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोगों के विकास में एक अहम भूमिका निभा सकता है। काफी ऐसे स्थान है, अगर इनको विकसित कर दिया जाए तो यहाँ के रोजी रोटी की समस्या से हम पर्यटन की यहाँ पर काफी संभावना है। काफी तो ऐसे स्थान है जिसको कोई जानता ही नहीं, पर अच्छे अच्छे स्थान अगर उनको कर दिया जाए थोड़ा सा पर्यटन दृष्टि से तो काफी विकसित हो सकता है। पर्यटन खाली नहीं और कई अच्छी जगह, क्योंकि इसको आदमी उतना जान नहीं रहा। जहां तक बिंडम फॉल अखनिया दरी और सिद्धनाथ दरी की बात है लोग जान रहे हैं, और इसकी अगर प्रचार किया जाए तो शायद लगभग लोग जाने। और मुझे लगता है कि ये जगह बिंडम फॉल और अखनिया दरी से लाख गुनी अच्छी है। अगर मिर्जापुर में नेचुरल ब्यूटी अगर डेवलप किया जाएगा तो इससे अच्छा कोई टांडा फॉल और इससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यहाँ पे रोजगार मिलेगा, कहीं अदर स्टेट में जाने की अदर जगह जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे फॉल है, अच्छे खासे फॉल है, यहाँ पे लोगों की भीड़ भी है, लेकिन ये लोकल है, लोकल टूरिस्ट है। हम चाहते हैं कि हमारे एक प्रयास हो जिसमें कि लोकल न होकर इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट आए। एक्चुअली है क्या कि ये जो नेचर ने हमें जो दिया है उसकी केयर टोटली की नहीं जा रही है, सरकार इस पर पूरा ध्यान नहीं दे रही है। सबसे पहले जब हम इस पर्यटन स्थल में घुसते हैं तो यहाँ के रास्ते बहुत ठीक खराब है, इस पर ज्यादातर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि लोग अंदर आराम से घुस जाए। आने जाने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, हम लोगों को अपने साधन से आना जाना पड़ता है। सरकार द्वारा अगर कोई सुविधा यहाँ मुहैया किया जाए तो काफी हम लोगों को सुविधा हो जाएगी यहाँ के टूरिस्ट लोगों को। तो हम लोग का गाड़ी भी खराब होता है और यार इंजन उंजन सब पा जाता है, यहाँ पे सड़क एकदम खराब है, गड्ढी गुड्ढा पत और की यहाँ पे टंकियों की कोई सुविधा नहीं है, तेल और खत्म हो जाए यहाँ पे, या कोई भी पंचर वंचर कर दे, यहाँ पे बनने की लिए सुविधा कोई नहीं है और यहाँ पे चोरी वोरी बहुत तेज होता है। इन स्थानों पर पहुँचने का रास्ता बेहद जर्जर होने के साथ ही यहाँ सुरक्षा का कोई ठोस इंतजाम न होने से बाहरी लोग यहाँ आने से डरते हैं। मोटरसाइकिल टिकट लेने क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या ड्यूटी है तो बार तो भी लोग से एक रुपये मांग रहे थे, लोग से एक रुपये मांग रहे थे आने के लिए, चार्ज एक रुपये यहाँ के हम घुसने का फिर किस बार मांग रहे थे। पर्यटकों से जबरन वसूली के कई मामले भी प्रकाश में आए हैं जिससे यहाँ के फॉल और बदनाम हुए हैं। यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए यहाँ, ताकि यहाँ की जनता को परेशान न कर सके जो यहाँ के लोकल पीपल। तो बिंडम फॉल में नहीं है जितना प्रॉब्लम इधर होता है। क्या प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम ये है कि जब आते समय अगर इतना 10-12 लोग खड़े हो जाते हैं पकड़ खेल के, तो ये बताइए कैसे आएंगे, और जिसका पैसा नहीं देगा वो क्या करेगा, और जो पैसा नहीं दे रहा है उसका गाड़ी पंचर, उसका गाड़ी भी पंचर कर दे रहे हैं, उसको भी ले भी ले रहे हैं, गाड़ी भी खड़ी करवा दे रहे हैं, और गुंजाइश भी चेक से ले रहे हैं, गुंजाइश से पैसा देंगे अंदर आए कि मार्ग है। टांडा फॉल जो थोड़ा इंटीरियर में पड़ता है और वहाँ लोग जाते भी कम हैं, इसलिए वहाँ पर अभी चीजों का सिस्टेमेटिक विकास नहीं हुआ है। वहाँ पर अगर किसी को दिक्कतें आती हैं तो तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचित करना चाहिए। अक्सर होता ये है कि लोग चुपचाप सह के चले जाते, कोई बताता नहीं है, और इससे इन चीजों पर अंकुश नहीं लग पाता है। सबसे पहले तो हमें यहाँ के जो लोकल पीपल है उनको बताना चाहिए कि उनके पास जो खजाना है, उनके पास जो खजाना है वो मतलब कितने प्रचुर, मतलब उससे आप कितना फायदा उठा सकते हैं। आप अगर मिलजुल के अगर इससे सरकार के साथ सामने अपना प्रस्ताव रखेंगे तो इस जगह को काफी और काफी खूबसूरत बनाया जा सकता है। बस अगर कमी है तो आप लोग के एक सार्थक प्रयास, टूरिस्ट आए बाहर से, आप लोग उसकी इतनी स्वागत करें कि वो बाहर जाकर अपने देश को बताए कि हाँ वहाँ टांडा फॉल में गया था तो वहाँ मैंने वहाँ के पीपल और वहाँ के नेचर को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भारत के जंगलों के जो प्रकार होते हैं उसमें ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा बायोम है, शायद सबसे बड़ा भारत है वो भाग का बायोम जो है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, और विंध्यन रेंज में जो ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनकी एक रिच डाइवर्सिटी है, उनकी रिच हेरिटेज है, उनकी वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है, और आपको पता होगा कि बहुत सारे टाइगर रिजर्व और ये सब विंध्यन रेंज में हैं। तो विंध्यन रेंज
जो एक लिविंग हेरिटेज की तरह की भारत के लिए है, और अगर इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं तो एक यूनिक तरह की स्पीसीज और यूनिक तरह के इकोसिस्टम को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज मिर्जापुर के विंध्य क्षेत्र की जो कहानी मैंने आपको बताई वो कोई नई नहीं है। सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व भर के सभी जंगलों का अस्तित्व आज बहुत बड़े खतरे में है। मानव जीवन हमेशा से प्रकृति पर निर्भर रहा है, पर अब वक्त आ गया जब हमें निर्भरता और शोषण के बीच के फर्क को समझना है, क्योंकि सवाल सिर्फ आज का नहीं है बल्कि काफी कुछ हम पर निर्भर करता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं।